तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डीके वंदना के न्यू ब्लॉग में। आई होप कि आप सब अच्छे और मस्त होंगे। तो हम सब भी अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं। तो देख सकते हैं सोनाक्षी थोड़ी समझदार हो गई है, किचन में काम करने लगी है और समझदार के हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ भी कर देती है। हादसा बता दो जो हुआ है। क्या हादसा हुआ है? मैंने किया। यही देखो समझदार हुई है, कुछ ना कुछ गिराती पड़ाती रहती, तोड़ती फोड़ती रहती है। पानी कम गिराया करो, बर्तन और अच्छे से साफ किया करो, समझ गई? तो पानी की बचत किया करो, ठीक है? हाँ या ना? हाँ, क्या? तो सोनाक्षी ने बनाया था चाय और चाय में हो गया गड़बड़ घोटाला। क्या हो गया सोनाक्षी, बताओ ना। खोलो। ये लेके आ गए कोल्ड ड्रिंक, इनको बड़ी प्यास लग रही है। बताओ जल्दी से, मेरे को मैप लेके, मैप लेने जाने अभी। तो जाओ ना। अरे कर तो लो काम अपना। क्या दिक्कत हुई, कैसे चाय खराब हो गया? अब मुझे क्या पता कौन सा उबला था कौन सा उबला नहीं था। जो उबला हुआ दूध था और जो ताजा दूध आया था, यानी वो उबला हुआ नहीं था। उबला दूध और जो ताजा दूध था जो पैकेट में था, दोनों मिक्स कर दिया। मिक्स करके चाय बना रही थी और गैस भी देखो खुला था, अभी मैंने बंद किया, मुझे महक रहा था। तो मैं देखा ये चाय छान रही थी, तो मुझे लगा अजीब सा, ये चाय कैसा छान रही है सोनाक्षी? तुम्हें अजीब नहीं लग रहा था चाय? मैं सोची लग रहा है मैंने उबला नहीं, मतलब उबला नहीं होगा चाय, तो मैंने जल्दी से वो डाल दिया, वो ड्रग तो खराब हो गया। नहीं, ध्यान आया कि जब उबल गया तब डाला मैंने। पानी और कम करो पहले, नल और धीमा करो। हाँ धीमा करोगे तब भी बर्तन धुलेगा। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि उबला दूध और जो ताजा दूध रहता, जो उबला नहीं रहता, दोनों मिक्स नहीं। अरे यही तो गड़बड़ है, मुझे किसी ने बताया नहीं था कि ये वाला उबला दूध है। चलो अब समझ गई ना। हाँ। चलो तो खराब हो गया था चाय, उसके बाद मैंने पूरा फिर निकाला उसमें से। तो चलिए फिर मिलते हैं। जा रही मैं अपना मैप लेने। कितना मैप लेती हो तुम? अरे वो पिछली बार का काम नहीं कम्प्लीट ना, तो मैम बोल रही थी कि मैप लगाओ नोटबुक में। चलो जाओ लेके आओ। तो सोनाक्षी चली गई हैं मैप लेने, और उनके स्कूल में मैप लगता है, पता नहीं कितना मैप लगता है। अभी नल भी देखो हल्का सा खुला छोड़ के पानी गिर रहा है। बच्चे हैं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। समझाना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है कि ये चीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो, तभी समझते हैं। क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने भी हमारे ऊपर चिल्लाया है, समझाया है, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो रात का टाइम हो गया है और वंदना जी ने तो शाम को ही पूजा कर लिया था, लेकिन मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा था। तो यहाँ देख सकते हैं वंदना जी ने पूजा कर लिया, दीप भी जला दिया है। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। बच्चे भी अपना यहाँ पे क्या कर रहे हो ऋषभ, क्या क्यों हंस रहे हो? कुछ तो बात है जरूर। भालू। कुछ तो बात है, इसके बैग से कुछ निकाल रहे हो लग रहा है। हाँ, मैंने कुछ नोटिस किया। हाँ तभी मुस्की मार रहा है। देख लो। है? देखो इन लोगों की लड़ाई, क्या आपके घर में भी बच्चे ऐसे लड़ते हैं? देखो ऋषभ बहुत मारो, ऋषभ बहुत जिद्दी बच्चा है ये। जो जिन लोगों को लगता है ऋषभ बहुत सीधा है, देख सकते हैं ऋषभ को, देख लो ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करता है। लगता है ये मेरे हाथ से पीटेगा लड़का। ऐसा क्यों करते हो? सब बोलते हैं ऋषभ कितना क्यूट है, कितना अच्छा है। बोलो, पहले जवाब दो, पहले जवाब दोगे? बोलो जवाब दो। इधर आओ, इधर आओ। कौन मार दी? क्यों उसका पेन फेंके हो तुम, पहले बताओ। ये जाओ यहाँ से। हाँ छोड़। ये लोग ऐसे लड़ते रहते हैं। अभी कपड़ा फाड़ देगा। नहीं, गंदा बच्चा। तो हम आ गए हैं किचन में, किचन में थोड़ा सामान फैला हुआ है। वंदना जी चली गई थी पूजा करने, यहाँ सोनाक्षी ने चाय भी बना दिया था। एक चाय बनाया था तो खराब हो गया, फिर दोबारा चाय बनाया और फिर मैं बताया कि कैसे कैसे बनाना है, तब बनाई है। और बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ हो ही जाती है। तो मैं
हाई कर देता हूँ किचन की। क्या लग गया? पैर टूट दिया। तो किचन में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, देख सकते हैं। यहाँ पंखा भी नहीं है, ऊपर भी देख सकते हैं ऊपर पंखा नहीं लगा हुआ है, ना इधर फैन लगा हुआ है जो गर्म हवा बाहर फेंक सके। और तो अभी थोड़ा मौसम वैसा है तो गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन जब काम करने लगो तो उस टाइम गर्मी ज़्यादा लगती है, तो जिसके वजह से कभी कभी बन्ना जी को इतना पसीना हो जाता है। मैं भी काम करता हूँ, मैं भी किचन में क्या करता हूँ, कभी कभार मैगी बना लेता हूँ, चाय बना लेता हूँ, बाकी तो मुझे इसके सिवा किचन में कुछ आता नहीं है, बस मैगी चाय और यही सब थोड़ा बहुत इधर उधर के काम कर लेता हूँ। और गर्मी लगती है तो मुझे भी फील होता है कि ये लोग ना सही सुधरने लड़ाई झगड़ा करते ही रहते हैं, तो जब उनको पसीना होता तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ पंखा लगाना चाहिए। मैं बोला था पंखा लेने के लिए, मार्केट में गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं पंखा मत लो। तो फिर मैं सोचा कि यार ये मना करती हैं, तो आज चलता हूँ मैं पंखा इनके लिए लेके ही आता हूँ। बहुत मना कर चुकी हैं और बहुत परेशानी होती है, तो हस्बैंड है भाई इतना तो केयर बनता है, भले वो मना कर रही हैं, पैसा बचा रही हैं कि जाने दो जाने दो। और ये नहीं है कि गर्मी इसी साल है, गर्मी हर साल आना है, और पंखा ऐसा लाऊंगा कि कहीं भी उठा के उसको रख। तो यहाँ पे वंदना जी पार्थिव शिवलिंग का पूजा करी हैं, और ऐसे क्यों देख रही है? हम जाते थे, हम डांस कर रहे थे, शूटिंग करने आ रहे थे ना, डांस करके दिखा दो हमारी फैमिली को। नहीं मेरे को शर्म आती है सबके सामने, मतलब क्या बोलूं, मतलब ऐसे में नहीं, रील्स बना के डालती तो शर्म नहीं आता? अरे पार्टी फंक्शन ये रील वील में नहीं आता, लेकिन ऐसे डांस कर रही हूँ। अच्छा, कोई से भी गाने पे कर रही हूँ ना। तो क्या फंक्शन में करोगी क्या 15 अगस्त पे? नहीं। अच्छा 15 अगस्त पे छुट्टी होगी ना तुम्हारी तो? और क्या। तो चलिए एक फैन लेके आते हैं वंदना जी के लिए सबसे पहले। A few moments later. तो देख सकते हैं पापा आ गए हैं। बोलो यार थक गया हूँ। अरे ये क्या लाए हो? ये बताते हैं थोड़ा पहले अंदर तो आ जाए, थक गए, ऊपर चढ़ने में थोड़ा थकाई लग जाता है। अच्छा। तो ये किचन के लिए मैं फैन लेके आया हूँ, जो कि किचन में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो आ जाओ वंदना जी को सरप्राइज देते हैं। बफ फैन लेके चले जाओ ना। आ जाओ पहले थोड़ा सा। ओ तो पंखा है, दिख रहा है। किचन में इनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी। मोमो जो खाई थी वो। हाँ ये पंखा दूर से शूट करो ना, तो कैमरे में कैप्चर सबसे जाना चाहिए, मुंह में कैमरा घुसा देती हो। फैमिली इनको किचन में बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी, मुझे भी लगती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको एक छोटा सा प्यारा सा पंखा गिफ्ट दे दूं। और ये सब काफी उतावला है, कब से कह रहा है, क्या कह रहे हो? खोल दो। तो ये प्यारा सा फैन है ये, बता दो पापा कैसा लगा? बता दो। ये वाह, ये पति देव, लेकिन कहां ये ना नीचे रखेंगे तभी सही रहेगा, पैरों में हवा लगेगा। ये रख भी सकती हो, ऐसे टांग भी सकती है, इसमें टांगने के लिए भी है। चलिए गाइस देखिए, ये पंखा जरूरत क्या थी इसे, चार्जिंग फैन लगा दिए होते गर्मी नहीं लगती, सही रहता। इसमें क्या है कि कहीं भी अपना उठा उठा के रख लो हवा लेने के लिए, और दूर से शूट करो, चेहरा आई नहीं, बस नीचे का पेट दिखा रहे। चला के भी इनको दिखा देते हैं। अरे क्या सूट, लेकिन धीमा चल रहा है ये, ऊपर का भी फैन चल रहा है ना, इसलिए हवा बच्चों भी हवा ले लो, ले लो। ये तो एसी को भी फील कर रहे, खड़े इधर लाओ। वाह क्या कूलिंग है, रात को वाला पंखा मत चालू करो, रात को वाला पंखा चालू कर दिया करिए। अब ये देख लिए तो कह रहे यही पंखा चालू कर दो, उससे तो अच्छा ठंडा यही हवा दे रहा है। तो ये हमारा प्यारा सा गिफ्ट था वंदना जी के लिए, और वीडियो कैसा लगा? वंदना जी खुशी नहीं है,
क्योंकि बंदा जी उसी दिन खुशी हो गई थी, ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है और ये पति देव गए फिर से लेकर आए, मैंने तो इसका वीडियो भी रील्स डाल चुका है इंस्टाग्राम। तो गाइस हम कब कल आए हुए हैं? कोई बात नहीं, हम ब्लॉग में दिखा रहे हैं। चलिए गाइस वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को ढेर सारा प्यार सपोर्ट और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। लो अब ये कह रहे हैं मुझे काफी